The army has ordered an inquiry into the custodial death of a college lecturer and injuries caused to several other villagers during midnight raids by the army at the Shar village in Pampore. While the police have filed a case of murder against the army, the incident has added to the tension in Kashmir. मेरा नाम जुल्करैन असद है, मैं रिजवान का छोटा भाई हूँ, हम अवंतीपोरा से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से। ये बात है आज से लगभग दो महीने पहले, मार्च 2019 की रात 11 बजे, तो हम लोग सब सोए थे, हमारे फैमिली सोई अंदर थी घर में, तो जो यहाँ की लोकल डीएसपी, उनकी पार्टी आ गई हमारे घर रात के लगभग 11:30, तो ने दोनों मकानों को कॉर्डन किया था, तो हमको नॉक किया डोर पे और हम सबको बुलाया एक ही कमरे में, तो हम सब उठ गए, रात का टाइम था, हम सो गए थे सब, तो हमको उठाया और एक कमरे में बंद किया, और जब रिजवान उठा तो उसको अपने साथ ले गए और अपने रूम को उसको तलाशी की और फिर उसको अलग अपने पास रखा, तो हम लोगों को मतलब हम लोग दूसरे कमरे में थे सब, तो उनने दोनों मकानों की तलाशी ली और उसको अपने साथ ले गए और ये भी बोला कि किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करना रात को, हम सुबह आपको कम्युनिकेट करेंगे कि हम वो कहाँ हैं और उसको क्या प्रॉब्लम है। तो हम रात भर ऐसे ही थे, तो सुबह हमने लोकल पुलिस स्टेशन, हमारा अंकल और कज़िन गया तो क्वेश्चन किया अबाउट वायर इज़ रिजवान, तो वहाँ से SHO अवंतीपोरा बोल रहा है कि उसको कार्गो श्रीनगर ले गए, तो वो हमारे पास नहीं है, और उन्होंने कल रात को हमारे बिलोंगिंग्स लिए थे, मोबाइल फ़ोन 5 और लैपटॉप 2, वो लोकल पुलिस स्टेशन में ही थे और वहाँ पर, लेकिन रिजवान नहीं था उधर, तो हम वेट कर रहे कि इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे कि रिजवान वायर अबाउट रिजवान। 19th March इट वॉज ट्यूजडे आई फील 19th March 2019 through social media we are getting the news that Rizwan was in the custody of police, was in the police custody, has been martyred during the interrogation, and because of the excessive interrogation which was done to his body, he was not able to bear up that and he got shahada in their custody. Even ki jo yahan magistrate probe chal raha hai, it was said that within 28 days it has to be completed, but aaj almost 2 month mat hone ko hai, aaj tak koi bhi investigation jo hai kisi मंदक की अंजाम तक नहीं पहुंचाई गई है, और ना ही हमें स्टेटस जो इसका केस का है वो हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, कभी इलेक्शन का नाम लेके, कभी कोई और दूसरा बहाना बना के जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पेंडिंग कर दिया जाता है, कभी वो मतलब अभी मतलब इसके साथ तालमेल नहीं मिला रहे हैं, तो इन सभी बातों का लेके हमें यही तो पता चल रहा है कि
किसी किस्म की कोई मदद, जो भी जितने भी वादे किए गए थे, जितने भी हमारे साथ मतलब जो किए थे प्रॉमिस किए थे, वो सब के सब जो है खोखले साबित हो रहे हैं और आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये केस जो है वही एक लंबी कहानी बन रही है, जो आज तक के केसेस की लंबी लंबी कहानियाँ बनती आ रही है वही कहानी इसी की बना रही है, एक नाम पर, दूसरे नाम पर, तीसरे नाम पर लंबी लंबी कहानियाँ बना रहे हैं ताकि ये केस जो है ये ख़त्म हो सके इसी के साथ, तो कोई किसी को फिर इस केस में इंटरेस्ट ना रहे और उस तरह से जो ये कल्प्रिट्स हैं उनको बचाने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जब ये वाक़ा पेश आया तब 20 अगस्त 2010 था, जुमा का दिन था, रमज़ान मुबारक चल रहे थे। बयान नमाज पढ़ने के लिए निकले तो बाहर से पथराव चल रहा था क्योंकि जुमा का दिन था, गिलानी की कॉल थी। जब वहाँ पे गए तो पुलिस वहाँ से 3 कोचों में आए जिप्सी लेकर, जिस बीच में 4 से 5 लड़के को मतलब इन लोगों ने पकड़ा वहाँ पर, उसमें से बया को भी पकड़ा था क्योंकि ये भाग नहीं पाए थे। लगभग 3 बज गए, हमें नहीं पता था बया कहाँ है, हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पापा ने बोला पता नहीं उमर सब कुछ ठीक है। पापा को फ़ोन आया शायद जो है जो नहीं बच रोड में थाना समझते नज़र। जब थाने में पहुँचे तो बया को देखा कस्टडी में, ऐसे लेटे हुए थे बया। बया ने एक ही बात बोली, अंकल मैंने अस्पताल। पापा ने बोला उमर सुबह थोद वह तो मैं निशी नज़दीक तो मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं उस हालत में नहीं हूँ, मैं आ गया हूँ। जब पापा ने वहाँ पे सब इंस्पेक्टर जहूर था और SHO अब्दुल मजीद मलिक था, उन्होंने मुंशी से कहा कि बच्चे से हालत वारे ख़राब बाजरे तो मैं यार बोला वहाँ से मुंशी ने, तुम कौन से CM PM बन गए, तुम निकलो यहाँ से, अगर तुम नहीं निकले हम तुम्हें भी बंद कर देंगे। पापा मजबूरन उठे और निकल गए थाने से। लगभग 7 बज गई, इफ्तारी का वक्त हो रहा था। पापा ने कहा उमर सुबह चुम रोजदार तेमिस ने तो केला वेला तो कर इफ्तार। जब इस कस्टडी में अंदर गई वापस तो जहूर था वहाँ पे, सब इंस्पेक्टर जहूर, उसको बोला कि बाजू चुम रोजदार एमिस दी तो केले ही कर है तो इफ्तार। तो वहाँ से बोला कि इसको इफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, पॉट है, मैं उसमें यूरिन करूँगा, इसको यूरिन से इफ्तारी करा। लगभग 8:30 बजे एक नेबर गया वहाँ पे तो उन्होंने भैया से हमारी बात करवाई। स्पीकर पे फ़ोन था, भैया ने कुछ नहीं कहा, इतना कहा मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ। लगभग पापा ने उनको बहुत मिन्नत थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, तुम लोगों ने तरक्की कर ली है मेरे बेटे के ऊपर, मेरा बेटा ठीक नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। उन लोगों ने बोला अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं निकले तो मैं भी बंद कर देंगे, इसी लहजे में बात करके पापा को धक्का दिया और वहाँ से निकाला। फिर कल जब सुबह 21 अगस्त को लगभग 10 बज गए तो ये लोग गए वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपको बेल करानी पड़ेगी DC में। ये लोग DC ऑफिस गए तो भैया को लिया पुलिस वालों ने, पापा भी गए वहाँ पे, बेल करवाई। पहले 10,000 मांगे, फिर 5,000 मांगे, फिर 500 मांगे। पापा ने भैया को बोला चलो आप जाएंगे, उन्होंने बोला इसको हमें पहले थाने ले जाना है, इसको फिर से 1 बजे बेल हो के भी इन लोगों ने इसको 1 बजे थाने में लिया। लगभग 7 बजे तक इन लोगों ने भैया को नहीं छोड़ा, इलीगली इन्होंने इसको कस्टडी में बंद रखा क्योंकि इनको पता था हमने तो काम कर दिया है, ये अब बचने वाला नहीं है। जब 7 बज गए तो इसको पापा ने उठाया तो बोन हॉस्पिटल इसके पास लिया, अल्ताफ कोसा के पास लिया। वहाँ पे पहुँचे तो उसने बोला कि मालिश कर दो, बच्चे को कुछ नहीं हुआ है तो फिर भी सिकिम्स में एक बार दिखा लो। जब सिकिम्स गए वहाँ पे अभी प्रिस्क्रिप्शन भी हमने नहीं निकाली थी, बाहर से ही डॉक्टर बोल रहे ये उमर कयूम कौन है, उमर कयूम कौन है, क्योंकि तब हमें उस तरफ ध्यान नहीं था, पापा को बेटे का था कि बेटा बहुत बीमार है, उस तरफ ध्यान नहीं गया कि ऐसे मतलब डॉक्टर ने अभी तो इसका नाम भी नहीं सुना, ये लोग कैसे इसको पुकार रहे हैं। जब उसको इन्होंने डॉक्टर्स ने देखा तो बोला ऐसे ऊपरी से देखा ऐसे ऐसे किया तो बोला नहीं ये ठीक है तुम इसको आराम से ले जाओ। जब घर आए तो भैया ने कहा कि आप मुझे खाना दो थोड़ा सा, फिर मामा ने खाना दिया तो थोड़ा सा ब्लड आया उनको पहले मुंह से। फैसल उनके दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने उठाया बोला गौर करो उमर से बसरान, वो खुद नहाना नहीं कर पाए, उनको 2 दोस्त साथ गए वॉशरूम में, दो नहाना किया।
वो वहाँ से अंडरशर्ट निकाल लगा कर निकली तो लेकिन बोला दोस्तों को मुझे जल्दी लगा ना कमीज क्या हो गया मुझे जल्दी लगा हमें नहीं पता था ये क्या हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है वो क्या हमें क्लियरली बोलता कि मैं तो मतलब ख़त्म हो चुका हूँ जब नज़र पड़ी तो पीछे कील के निशान थे उनके बैग पे उनको बहुत लोग मिलने आए इतने लोग मिलने आए कि मतलब हम लोग ऐसे पीछे बैठ कर देख रहे ऐसे भैया को हम लोगों को बात करने का टाइम ही नहीं है उतने लोग आए उनको मिलने के लिए पापा ने कहा मेरा बेटा तो बड़ा बुलंद है आज मुझे पता चला देखो कितने लोग आ रहे हैं इससे मिलने उस बीच में आमिर और इरशाद भी आए थे जो भैया के साथ कस्टडी में बंद थे उन लोगों ने कहा तो कैसे नहीं वहाँ उमर से बस हॉस्पिटल ही नहीं हॉस्पिटल एम इसको रुकवा रहा टॉर्चर फिर भैया ने बोला कि हाँ मुझे रात के वक्त भी टॉर्चर किया गया उन्होंने उसने फ्रेंड्स को बोला था कि ऐसे ऐसे जब शाम को फिर फ्रेंड्स बैठे थे उसके साथ उन्होंने बोला उमर ठीक शुगर जवान से क्या दलील कर रहे बोला पहले मुझे यहाँ पे टॉर्चर किया गया फिर थाने में ले जाकर मुझे रात के वक्त भी टॉर्चर किया गया इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए तो फिर रात ऐसे ही निकली ऐसे ही बेकरारी में वो ऐसे उठ रहा था बैठ रहा था हम लोग सहरी के लिए उठे तो हम देखने आ गए यहाँ पे भैया ठीक है कि नहीं लेकिन जगह हुआ था ऐसे फैसल भैया को बोला ये ठीक था रात को उसने बोला नहीं ये ऐसे ही उठ रहा था बैठ रहा था सुबह बज गई ना ही आया उसने इसको कटाई की तो उसके साथ ही मामा ने उसको थोड़ा जूस दिया इसके ब्लड के साथ वो जूस वापस दिया जब हमने देखा भैया को चक्कर आ गया तो पापा ने कहा बचस की वारे हालत ख़राब वाली नहीं वन हस्पताल जब हॉस्पिटल लिया तो मामा ये पापा साथ गए मामा साथ गए चाचू गए डॉक्टर ने देखा उनको तो अभी ऐसे ही देख रहे थे चेकअप कर रहे थे बोला बचस जो नमत पर्सन सब दो मत तो दाय खर करो मैं बोलती हूँ कि इस केस में सिर्फ पुलिस जिम्मेदार नहीं है बल्कि डॉक्टर्स भी जिम्मेदार है क्योंकि अगर वो पहले ही भाई का इलाज करते तो भाई आज जिंदा होते फिर 25 अगस्त को 3 बजे मैं अंदर थी बोला कि कुरान शरीफ पढ़ो तो भैया ठीक हो जाएंगे आप कुरान शरीफ पढ़ो मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी देखा कि बाहर से बहुत शोर हो रहा है पापा ने कहा ना उमर से भी नहीं कह रहा तो करो तैयारी कर उसमें से हमें लगा भैया शायद ठीक होकर घर आएंगे जब खिड़की से छलांगे मारी हम लोगों ने क्योंकि छोड़ नहीं रहे थे हम लोग भाग गए तो देखा बाहर ऐसे देख रहे भीड़ भाड़ मैं कह रही हूँ भैया कहाँ है देखा कि भैया दूल्हा बन गए उसके बाद भैया के 3 जनाजे पड़े गए भैया को दफनाया गया दफनाने के जनाजे के टाइम भी उन्होंने टीयर गैस लगाए पुलिस वालों ने 117 फर्द वहाँ पर ज़ख्मी हो गए उस टाइम भी जब मान नहीं पा रहा तो लहद में भी टीयर गैस डाले गए उसको ईदगाह नहीं पहुँचाने दिया तो भैया को यहीं पे दफनाना पड़ा उसके बाद पापा का वो हमारा वो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इंसाफ के लिए क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं थे कि हमारा भाई शहीद हो गया चलो अब पैसे लेंगे हम लोगों को इंसाफ चाहिए था पैसे तो बहुत मिलेंगे हम लोग कमा भी पाएंगे लेकिन भाई हमें वापस नहीं मिलेगा फिर 2 साल बाद यहाँ पे SP आया उन्होंने पापा को एक लेटर दिया उस पर लिखा था कि बच्चे को जो है उसको चेस्ट डिजीज़ थी और उसको फैमिली ने टॉर्चर किया और पुलिस ने बच्चे की मदद की कैसे जब जलसा निकल रहा था बच्चा लातों के नीचे आ गया था लोगों के तो उस वजह से बच्चे की ऐसी हालत हो गई थी पुलिस इतना रहम दिल है उन्होंने बच्चे को हॉस्पिटल पहुँचाया ये इस पर पापा को बोला कि साइन करने के लिए हम आपको 5 लाख रुपये देंगे